एक विकलांग व्यक्ति को आम व्यक्ति के मुकाबले कितना संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए हम देखते हैं कि आम व्यक्ति की सुविधाएं विकलांग व्यक्ति को मदद नहीं कर पाती हैं। मैं हर रोज कलेक्ट्री जाती हूं और वहीं की ये कहानी है, वहां देखती हूं कि विकलांग व्यक्ति को अपने काम के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। ये कलेक्ट्रेट में क्यों आते हो आप? सर, राशन की दुकान है, उसके लिए ऑर्डर कराने के लिए। कितनी बार आते हो यहाँ पे? कलेक्ट्री में मेरे को 3-4 बार आना पड़ता है। जब ये सीढ़ियों से चढ़ते हो तो क्या क्या परेशानी आती है आपको? चढ़ने में हाथ पैर बहुत कठिन दुखते हैं, हाथों में ज़्यादा दुख होता है। मैं 2-3 मंजिल या 2 मंजिल चल रहा हूँ मैडम, हर बार बहुत परेशानी आई है चढ़ने में, घुटनों में दर्द होने लग गया। कैसे चढ़ पाए आप? बहुत धीरे धीरे चढ़ पाया और धीरे धीरे उतर पाया। क्या होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे रैंप होना चाहिए चढ़ने के लिए, जैसे चढ़ने में परेशानी ना हो। आप यहाँ कलेक्ट्रेट में क्यों आए हो? मैंने विकलांग सर्टिफिकेट बनवाया, अभी मेरा 50% बना दिया डॉक्टर साहब ने, मेरे पास रखा गया है। मेरे की वो स्कूटी की लेना चाहूँ कलेक्टर साहब से। बाई चांस में आप सीढ़ियों से नहीं चढ़ पाते हो तो फिर कैसे पहुँच पाते हो? आप किसी से मिलना हो तो, किसी डिपार्टमेंट में जाना हो तो आपको? अब नहीं जान, दूसरे की हेल्प से काम चढ़ पाता हूँ। इसके लिए आपने कभी समाज कल्याण विभाग में या किसी को एप्लीकेशन लिख के नहीं दी कि हमको इतनी समस्याएं आती है, इसके लिए कोई सुविधाएं होनी चाहिए, वो कभी आपने सोचा या कहा किसी से? मैडम, 2-3-4 बार जो शिविर लगी थी उनमें हर बार कहते हैं इन बात को, लेकिन सुनते ही नहीं है उसको, एप्लीकेशन को लेते हैं, रख लेते हैं उसको, उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं हुई अभी। मैं चाहती हूँ कि हमारी करौली कलेक्ट्री में सभी चीज़ की सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे रैंप का होना, टॉयलेट का होना, पानी की व्यवस्था, लिफ्ट का होना। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहड़ के लिए।